मुस्लिम लोगों के दिल में इस बात की ख्वाहिश हमेशा रहती है कि जिंदगी में एक बार हज यात्रा करने का मौका जरूर मिले। वहीं हज यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार हज यात्रा पहले से अलग हो चुकी है। सऊदी अरब सरकार कायदे कानून को लेकर इस बार सख्त नजर आ रही है। अगर आप भी इस साल हज करने जा रहे हैं तो इस कानून को ध्यान में रखें, वरना आपको जुर्माना देना पड़ेगा और हो सकता है कि दोबारा हज यात्रा के लिए भी बैन कर दिए जाएं। दरअसल सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने कहा कि हज के दौरान हज नियमों को तोड़ने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। 2 जून से लेकर 20 जून तक बिना हज परमिट यात्रा करना अब भारी पड़ सकता है, फिर चाहे वो सऊदी के रहने वाले हों या फिर विदेशी। दोनों के पास हज यात्रा का परमिट होना चाहिए, वरना भारी पड़ सकता है। वहीं सऊदी के नागरिक, वहां रहने वाले और हज के लिए गए लोग मक्का में अगर हज के नियमों और दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं और अगर वो पकड़े गए तो उन पर $2,666 यानी कि $2,22,651 का जुर्माना लगाया जाएगा। और जो विदेशी सऊदी में रह रहे हैं और वो मक्का में हज नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें सऊदी से वापस भेज दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, आप जितनी बार नियम तोड़ेंगे उन पर उतनी ही बार $2,666 का जुर्माना लगाया जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि यह जुर्माना इसलिए लगाया जा रहा है ताकि हज करने वाले सुरक्षित और आरामदायक तरीके से हज कर सके। वहीं नियमों को तोड़ने वालों को, अपनी गाड़ी में यात्रा कराने वालों को भी सजा दी जाएगी। ड्राइवर को 6 महीने की जेल और साथ ही ₹50,000 यानी कि ₹11,13,352 तक का जुर्माना दिया जाएगा। बिना हज परमिट वाले मुसलमानों को हज यात्रा कराने वाले वाहन को जब्त करने का आदेश दिया जाएगा और अगर उल्लंघन करने वाला प्रवासी है तो जेल की सजा काटने के बाद उसे निर्वासित कर दिया जाएगा। वहीं अवैध रूप से यात्रा करने वालों की संख्या के अनुसार जुर्माना बढ़ता जाएगा। इस साल 14 से 19 जून के बीच हज किया जा रहा है। सऊदी अरब ने पिछले महीने ही हज करने वालों की सुविधा के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। हज और उमराह मंत्रालय ने कहा था कि सभी हाजियों के पास नुसुख हज प्लेटफॉर्म से लिया गया हज परमिट होना जरूरी है। बिना परमिट हज करना अवैध माना जाएगा। आपको बता दें कि हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को COVID-19 वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और मेनिनजाइटिस का वैक्सीन लगी होना जरूरी है और एक हेल्थ सर्टिफिकेट जो बताता हो कि हज यात्री सभी तरह के संक्रामक रोगों से मुक्त है। वही इस बार की हज यात्रा में आप सभी को ये नियम और शर्त ध्यान में रखने होंगे, वरना आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।